सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब नोएडा में नमाज के बाद भागवत कथा पर लगाई रोक, उखाड़े फेंके तम्बू, आयोजकों को खदेड़ा। गौतम बुधवार नगर में खुले स्थानों में बगैर परमिशन के धार्मिक आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुधवार नगर में खुले स्थानों में बगैर परमिशन के धार्मिक आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। नमाज के बाद ग्रेटर नोएडा में चल रहे हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान को पुलिस और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रोक दिया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 के पार्क में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तंबू उखाड़ फेंके और लोगों को वहां से हटा दिया, जिसके बाद में आसपास के लोग नाराज हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। जिला प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद में लोगों में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सेक्टर 37 के RWA अध्यक्ष का कहना है कि पार्क पर बिना अनुमति के ऐसी गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं। कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान के जरिए जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है। बताया गया है कि सेक्टर 37 में बगैर परमिशन के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ व भव्य संगीत मय का आयोजन किया जा रहा था। यह कार्यक्रम 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक होना है। आयोजकों की तरफ से मौके पर पंडाल, तंबू आदि लगाए गए थे, साथ ही पंडितों की तरफ से यज्ञ किया जा रहा था। उसी दौरान मौके पर ग्रेटर नोएडा की टीम मौके पर पहुंची और भागवत कथा के पंडाल को ध्वस्त कर अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्यवाही के बाद में मौके पर मौजूद लोगों में रोष व्याप्त दिखाई दिया। यहां विरोध में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद में मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बगैर परमिशन के कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी वजह से कार्यवाही की गई है। इससे पहले खुले नमाज पर लगाई थी रोक, जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी गुस्सा है और इस प्रदेश भर में राजनीति भी शुरू हो गई है।